गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के थर्ड वीडियो में हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे और उसकी हेल्प से हम पास एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट दिया 60,000 दिया है और डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको 3:1:1 में। और ये पाया गया कि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट जो पॉइंट्स में दिए वो उनने लिखना ही भूल गए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% भी चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो लगाते हैं एक्स का 700 है, वाई का 500 है, जेड का 300, ये भी नहीं लगाया। पार्टनर को सैलरी भी नहीं दिए, ठीक है, पार्टनर एक्स को 1000 और वाई को कितना 1500 नहीं दिए। ठीक है, द कैपिटल अमाउंट पार्टनर्स फिक्स्ड 1,00,000 एक्स की है और वाई की कितनी है 80,000, जेड की कितनी है 60,000 है और हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। समझ में आया क्वेश्चन? मेन क्या है, नेट प्रॉफिट दिया 60,000 दिया है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका रेशियो 3:1 है और ये जो जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पार्टनर सैलरी ये चार्ज करना भूल गया है, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया है 60,000, ये प्रॉफिट उठा के डाल दिया। फिर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5%, तो कैपिटल कितनी दी है 1,80,000 और 60,000, ये लिखिए हमने 1,00,000 का 5 और कितना दिया 5%, देखिए रेट 5% फर्स्ट पॉइंट में, 1,00,000 का 5% कितना जाएगा 5,000, फिर 1,00,000 का वो सॉरी 80,000 का 5%, 4,000, 60,000 का 5%, 3,000, इनका टोटल कर देंगे 12,000 बाहर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकली निकलाई दी है एक्स वाई जेड की तीनों की 700, 500 और 300, ये उठा के हमने 700, 500 और 300 तीनों की लिख दी और ये बाहर कर दी। फिर हमको उसके बाद क्या दिया है, पार्टनर सैलरी एक्स की 1000 है, वाई की कितनी 1500 पर एनम यानी साल भर की दी हुई है। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पर मंथ दिया रहता तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1000 और 1500 एक्स और वाई की दी, हमने टोटल करके बाहर कर दिया। अब इनका टोटल कर दिया तो कितना आ गया 61,500, इसका टोटल कर दिया कितना है 14,500, इससे इसको माइनस कर देंगे और तो हमारा बैलेंसिंग फिगर रह जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट को क्या बांट देंगे, रेशियो 3:1:1, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक्स वाई जेड में बांट देंगे, 47,000 3/5 कर दिया, 28,200 हो गया, 47,000 का कितना 1/5 कर दिया 9,400, 47,000 का अगेन 1/5 किया तो 9,400, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ये हम सीख चुके हैं, आई थिंक आप भी गया होगा आपको। ठीक है, ये सब करना हम भूल गए, आ गया। अब देखिए, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं जो हमें करना है, हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ठीक है, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ये सारे अमाउंट जो कि डेबिट होते हैं अकाउंट में वो क्या होंगे, एंट्री में क्या होंगे, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट करना भूल गए, ये हमने कुछ भी ये सब की सब चीज़ें हमने नहीं चार्ज की है तो हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो चीज़ अकाउंट में डेबिट होती है वो एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, और हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ना, इसलिए क्रेडिट किया गया है। तो जो जो चीज़ ये जो जो चीज़ है ना इस साइड ली गई है वो सब लिख देंगे यहाँ, इन सबको। सबसे पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 28,200, 9,400, ये तीनों लिख दिया। आप चाहे तो इनको इसके सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रेडिट करना ये लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना भूल गए, लिखना भूल गए 5,000, 4,000 और 3,000, ये लिख दिया हमने 5,000, 4,000 और 3,000। फिर हमने सैलरी भी लिखना भूल गए एक्स और वाई की, तो सैलरी भी लिख दी हमने 1,000 और 1,500, इनका टोटल कर दिया हमने तीनों का। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट ही नहीं किया था ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दिया, ये माइनस नहीं किया था तो वो भी माइनस, इस साइड रहेगा तो माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो वो भी माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि ताकि आप ये समझ जाओ कि इसको माइनस करना है। ब्रैकेट का मतलब हायर क्लासेस में माइनस करके नहीं लिखते, हायर क्लासेस कॉलेज लेवल में क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखा इसका मतलब ये इंडिकेटर है कि ये माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे। इससे इसको माइनस किया तो ये आ गया,
ये 14,900 को 500 से माइनस किया तो 14,400 आ गया, 12,400 को माइनस किया 300 से तो 12,100 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब ये अमाउंट को क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे, कितना है 60,000 आ गया। अब ये 60,000 किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में रेशियो दिया था एक्स वाई जेड का 3:1:1 दिया ना, तो 3:1:1 में हम 60,000 बांट देंगे। 60,000 का 3/4, 60,000 का 1/4, 60,000 का 1/4, तो ये आ गया। अब ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर, इन सब का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाला, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों में से बड़ा साइड कौन सा है, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा साइड कौन सा है, यहाँ यहाँ ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता ना, जैसे वो कहाँ होता, ये क्रेडिट है तो किस साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डेबिट साइड, क्योंकि इतने अमाउंट से क्रेडिट है तो उतने ही अमाउंट से क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए ना, सेम अमाउंट से, तो ये डेबिट हो गया। अब ये किस साइड बड़ा है, डेबिट साइड, तो हमने बैलेंसिंग फिगर को डेबिट लिख दिया। अब ये इन दोनों में से किस साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड है, तो हमने क्रेडिट लिख दिया। इन दोनों में से क्या है, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो हमने क्रेडिट लिख दिया। अब देखिए जेड और एक्स डेबिट है और वाई एंड जेड क्या है, क्रेडिट है, तो हमने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, वाई कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट सेम अमाउंट से जो दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। थैंक यू।